वेलकम अगेन टू माय चैनल क्रिएटिव केएसबी। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक टू एडवांस का पार्ट थ्री, जिसमें मैं आपको प्रॉपर्टी बार के बारे में। प्रॉपर्टी बार इज ए डायनेमिक टूल बार इन कोरल ड्रॉ दैट विल चेंज बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड टूल और ऑब्जेक्ट इन कोरल ड्रॉ। मतलब प्रॉपर्टी बार एक डायनेमिक टूल बार है जिसमें कोरल ड्रॉ में आप जिस भी ऑब्जेक्ट को या टूल को सिलेक्ट करते हो प्रॉपर्टी बार में आ जाती है। ओपनिंग अप टूल्स एंड ऑप्शंस फॉर वर्किंग एंड सिलेक्टेड टूल और ऑब्जेक्ट। आप जो भी टूल या कमांड सिलेक्ट करते हो उसकी प्रॉपर्टी बार में आ जाती है। आपको अलग से उसकी प्रॉपर्टी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रॉपर्टी बार एक बहुत ही डायनेमिक टूल बार है कोरल ड्रॉ का। प्रॉपर्टी टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार के ठीक नीचे होते हैं। अगर आप यहाँ पर रेड क्लिक करोगे इस तरह से प्रॉपर्टी बार बंद हो जाएगी, यहाँ से प्रॉपर्टी बार खुल जाएगी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी बार है। हम जो भी टूल सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाती है। हमने पिक टूल लिया और कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पर देखेंगे हम कि हमारे पास इसमें पेज की प्रॉपर्टी बार हाईलाइट हो रही है क्योंकि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है। अब जैसे ही मैं टूल बार में जाकर पेन टूल को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पेन की प्रॉपर्टी जो भी होती है उसके जो फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे हाईलाइट होने लगे हैं। जैसे ये हाईलाइट हो गया प्रीव्यू मोड, यहाँ पे हाईलाइट हो गया ऑटोमेटिक ऐड और डिलीट मोड, और यहाँ पे आ रहा है आपका कि जो पेन टूल आपने सेलेक्ट किया उसकी जो आउटलाइन की थिकनेस है वो कितनी होगी, यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आ रही है कि इसका आपको एरो लगाना, तो यहाँ पे एरो लगा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से इसको एरो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी लाइन डॉटेड हो कैसी हो, तो ये सारी पेन की प्रॉपर्टी यहाँ पे हाईलाइट होने लगी है। अब क्योंकि हमने पेन टूल सेलेक्ट किया है तो अब इसमें केवल पेन टूल की ही प्रॉपर्टी दिखा रहा है और कोई चीज इसमें हाईलाइट नहीं हो रही है। तो ये हो गई पेन की प्रॉपर्टी क्योंकि हमने पेन टूल सेलेक्ट किया है। अब मैं सपोज यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगल टूल। तो जैसे ही मैं रेक्टेंगल टूल यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करते ही रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पर शो होने लगी है। मैं पहले से रेक्टेंगल बना के रखे हुए हैं, मैं पिक टूल से सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने पिक टूल से रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया तो रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पर शो होने लगी। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी बार का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी के लिए। सपोज मैंने ये रेक्टेंगल सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके यहाँ पे ये यह है, आप इसको राउंडेड कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ड्रैग करेंगे, यहाँ पर राउंडेड हो गया। अब ये दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, माना हमको यहाँ पे करता है करना है स्कॉल्प, तो हम क्या करेंगे सिंपली इसको ड्रैग करेंगे और ये स्कॉल्प हो गया। आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी बार में रेक्टेंगल की पूरी प्रॉपर्टीज शो हो रही है। आप इसको यहाँ पे चैम्फर कॉर्नर करने जाते हैं, सिंपली यहाँ पर ड्रैग कीजिए और ये इस तरह से इसको कर दीजिए। तो ये सब प्रॉपर्टी बार में टूल के अकॉर्डिंग ये चीजें हाईलाइट होती रहती है। आई होप आपको जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपनी मान लिया, है मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आप सीखते रहिए, रोज बेसिक चीजें सीखना बहुत जरूरी होता है। आप धीरे धीरे सीखिए और आप बेसिक से एडवांस लेवल तक इस तरह से पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बस मेरे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अब सपोज हमारे पास ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, अब मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट को एक साथ ये सेलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे प्रॉपर्टी बार पूरी तरह से चेंज हो गया है। इसमें वेल्डिंग के ऑप्शन आ गए हैं, आप इनको वेल्ड कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, इंटरसेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इसकी पोजिशन साइज इनका चेंज कर सकते हो, इन ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में आपने बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही। सपोज इनको हम वेल्ड करना है, सिंपली हमने क्लिक किया ये वेल्ड हो गया, ठीक है। अब मेरे को ये इंटरसेक्ट करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये इंटरसेक्ट हो गया। तो प्रॉपर्टी बार में, प्रॉपर्टी बार एक डायनेमिक टूल बार है, जैसे कि शुरू से कहता आ रहा हूँ। इस टूल को, इस प्रॉपर्टी बार को समझना बहुत ही जरूरी है। आप यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्लिप हो जाएगा, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाएगा वर्टिकली। तो इस तरह से प्रॉपर्टी बार में इस तरह से सारी चीजें आपकी हाईलाइट होती रहती है। आई होप
आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब सपोज मैं ये सिंपल टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूं, इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, तो इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते ही इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ऊपर हाईलाइट होने लगी है। जैसे कि इसका फॉन्ट मैं चेंज कर सकता हूं, यहां से यहां पे इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूं, यहां पर इसको बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन कर सकता हूं, इसके रैपिंग के ऑप्शन हाईलाइट होगा यहां पे, यहां पे अगर ये पैराग्राफ टेक्स्ट होता तो यहां पे बुलेट लगा सकते थे हम, यहां पे ये ड्रॉप केस अगर मोर देन 2, 3, 4, 5 लाइन का पैराग्राफ है तो वहां पे एक ड्रॉप केस जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह में होता है उस तरह की प्रॉपर्टी लगा सकते थे। तो यहां पे टोटल आप देख सकते हैं कि फॉन्ट के जैसे हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी बार चेंज हो गई। तो आपने देखा कि प्रॉपर्टी बार किस तरह से वर्क करती है, आई होप आप समझ गए होंगे। हम जूम टूल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जूम टूल की प्रॉपर्टी बार प्रॉपर्टी सेलेक्ट हो गई। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, जूम पेज हाइट कर सकते हैं, जूम पेज विड्थ कर सकते हैं, यहाँ पे इसको शिफ्ट F4 दबा के सिंपली आपका पूरा पेज दिखने लगेगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी बार का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे साथ बने रहिए एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू नो मोर अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग एंड कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड मैनी अदर सॉफ्टवेयर्स।